निर्देशक अनिल शर्मा की फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने साल 2001 में बॉक्स ऑफिस पर गदर ही मचा दिया था। ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी और इसमें सनी देओल और अमीषा पटेल थे। सकीना और तारा सिंह की प्रेम कहानी ने सबका दिल ही छू लिया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ साल के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी। अब आखिरकार गदर 2 का सीक्वल आ रहा है। चलिए गदर 2 से जुड़ी अनसुनी बातें आपको बताते हैं। तारा सिंह की भूमिका में सनी देओल के अलावा किसी और की कल्पना करना मुश्किल है। निर्देशक अनिल शर्मा पहले इस रोल में गोविंदा को लेना चाहते थे, लेकिन 1998 में गोविंदा स्टारर महाराजा के फ्लॉप होने के बाद उन्होंने सनी देओल को इस किरदार के लिए चुना। गदर में सकीना के रोल में अमीषा पटेल ने बखूबी निभाया है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस किरदार के लिए अमीषा पटेल निर्देशक की पहली पसंद नहीं थी। निर्देशक फिल्म के लिए काजोल को लेना चाहते थे, लेकिन डेट्स ना मिलने की वजह से वो इसका हिस्सा नहीं बन सकी। गदर एक प्रेम कथा बूटा सिंह की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो ब्रिटिश सेना की एक सिख पूर्व सैनिक थे। बूटा सिंह ने एक मुस्लिम लड़के से शादी की थी, जिसे उन्होंने विभाजन के दौरान दंगों से बचाया था। गदर एक प्रेम कथा और फिल्म लगान एक ही दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी। सनी देओल और आमिर खान की फिल्म आमने सामने थी। बता दें कि इससे पहले भी दिल और घायल साल 1990 में एक ही दिन रिलीज हुई थी। वहीं राजा हिंदुस्तानी और घातक साल 1996 में रिलीज हुआ था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारत में गदर ने पहले दिन ही 1.40 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि पहले वीकेंड में 4.8 करोड़ रुपए और पहले सप्ताह में 9.28 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वही गदर के शूटिंग बिशप कॉटन स्कूल शिमला और शिमला के एक और हिस्सा सेक्रेड हार्ट स्कूल में डलहौजी में भी शूट किया गया था। फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में भी की गई थी, जहां शहरों का लाहौर पाकिस्तान के रूप में दर्शाया गया था। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय? गदर 2 को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।